हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप एपिसोड नंबर 6 या 7 देखने वाले हो, और आज मैं पहलगाम विज़िट कर रही हूँ। आप लोग ने पहले ही फर्स्ट में देखा होगा, पहलगाम मैं इन कर चुकी हूँ। समय लगभग वही 7:30 हो रहा था। और मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, मैं घर पे हूँ, लेकिन ये वीडियो पहले का है और मैं अब रिलैक्स होकर इस वीडियो को एडिट कर कर के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि आप हमारा पहले दिन से आप मुझे देख रहे हो, तो मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं 2 दिन पहलगाम में रुकी थी, और पहलगाम में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, और ये हमारा विज़िट दूसरी बार था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं पहलगाम इन कर चुकी हूँ और मेरी बुकिंग होटल में हो चुकी हुई है। तो मेरी होटल में जो बुकिंग हुई थी वो था वाइट हाउस। वाइट हाउस आप मेक माई ट्रिप से भी आप कर सकते हो बुक। और ये जो रिसॉर्ट था, मीन्स बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं। बहुत प्यारा रिसॉर्ट था। बेड तो देख ही रहे हो, पर्दा, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट, सब चीज़ लगभग मुझे गुड ही लगा था। सब चीज़ ठीक था। और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ की जो व्यू थी काफ़ी खूबसूरत थी। मुझे जो चाहिए था कि एकदम झील से नज़दीक कोई विला चाहिए, और हम लोगों ने जो सोच के जो कॉटेज रखा था उस दिन अवेलेबल नहीं था। मुझे बोला गया कि आप नेक्स्ट डे आइए, आपको मिलेगा, बट मुझे नेक्स्ट डे कहीं और बिताना था, तो फिर मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन ये भी रिसॉर्ट मस्त है। इस रिसॉर्ट की मैं बात करूँ तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी थी। जो यहाँ के स्टाफ थे, वेटर थे, सभी अच्छे थे, कोऑपरेटिव माइंड थे। तो बेहिचक आप वाइट हाउस विला। ये था हमारा आज का कॉटेज, और यहाँ का व्यू इस टाइप का है। मैं अब आपको अपने तो ये था हमारा रूम, जो कि अभी मैं चेकआउट कर चुकी हूँ। मुझे रूम टूर कराना था, तो आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मिरर, यहाँ पे फैन, और ऐसे वॉशरूम था, और ये बेड था। बेड काफी खूबसूरत था। यहाँ पे बैठ के खाने पीने के लिए, और इधर बाहर से एक गैलरी था। राजीव वहां चेकआउट करके सामान अंदर रख रहे हैं। ये व्यू छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही है, बट मुझे जाना पड़ेगा। आज हम लोग पहलगाम घूमेंगे। यस, तो चलते हैं। लोग निकल रहे हैं दूसरी जगह। ये रहा सस्ती, और काफी अच्छा होटल था, सर्विस बहुत अच्छी थी, और होटल का नाम है व्हाइट हाउस। आप लोग मेक माई ट्रिप से इसे बुक कर सकते हैं। मैं भी मेक माई ट्रिप से ही बुक की थी। तो ये था आज का डेस्टिनेशन। मुझे बोल दिए नहीं, तो फिर क्यों बार बार पूछ रहे हैं। ये पहलगाम का एक ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये हमारे रिसॉर्ट से 10 कदम के दूरी पे था। तो मैं यहाँ पे आई थी, और मौसम बहुत अच्छा था, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मैं इससे पहले भी आ रखी हूँ इस जगह पे, तो जिस जगह पे आप पहले आते हो उस जगह के लिए आप जब जाते हो तो लगता है वाह, मैं सेम जगह पे फिर वापस आई। तो आप देख सकते हो मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ इस पल को, एकदम बालों को लहरा लहरा के घूमने जा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये सारा एक्सप्लोर करा दूँ। तो आप लोग देख सकते हो, आप पहलगाम आते हो तो इस जगह पे आओ। पहलगाम का गर्ल्स पल पार्क, जो कि यहाँ पे सिर्फ बॉल खेला जाता है, और जब यहाँ दिसंबर होता है ना, इतना बर्फ होता है। पिछले टाइम में आई थी तो बर्फ था, और मैं जान रही थी कि हाँ बस इसी जगह पे आए थे क्या, जो हम लोग के रूम में फोटो है, मम्मी के रूम में, यही का है।
आते जाइए। ये सीन देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। ऊपर भी दिखा देना जरा। व्यू इतना अच्छा था कि राजीव जी भी खूब इंजॉय कर रहे थे इस कुदरत का, इस नज़ारे का, बहुत खूबसूरत था। और ये सूट मैं कर रही थी, आप एक बार फिर से इसको एक्सप्लोर कीजिए और इस जगह पे ज़रूर जाइएगा जब पहलगाम जाइएगा। तो ये जगह है आपका पहलगाम में गोल्फ फील्ड, इसके नाम से जाना जाता है। और अब मैं चल चुकी, भूख लग गई है तो मुझे रेस्टोरेंट जाना है। मैं बता दूं पहलगाम में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो है दाना पानी, आप लोग ज़रूर जाइए। वहाँ का साउथ डिश जब अगर आप खाएंगे तो आप अपना साउथ डिश अपने जगह का भूल जाएंगे, इतना टेस्टी था, ओ माय गॉड, लजीज व्यंजन जैसा। तो आप लोग ज़रूर आए और दाना पानी में तो ज़रूर खाए एक बार, आप बिल्कुल बोलोगे कि हाँ किसी ने मुझे एक अच्छी जगह बताई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अरुवेली के लिए। मैं एक बात आपको बता दूं, जब मैं कटरा से चली थी तो मैं 10 डेज के लिए एक कार हायर की थी, जो गाड़ी था आई थिंक स्विफ्ट डिज़ायर था ये शायद। और मैं चार्जेस वगैरह की मैं बाद एक एपिसोड लेकर आऊँगी, उसमें सारी खर्च मैं मेंशन करूँगी। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि जब आप पहलगाम जाते हो तो वो टैक्सी आपकी नहीं जाएगी, उनकी रूल है कि लोकल टैक्सी ही आप हायर कर कहीं जाते हो। तो मैं अपनी गाड़ी स्टैंड में लगा दी और वहाँ की लोकल गाड़ी हमने बुक किया और अरुवेली के लिए मैं निकल गई। चंदनवाड़ी नहीं जाती है, आपको यहाँ पे इनकी टैक्सी लेके जानी होगी, पहलगाम की लोकल टैक्सी। हमने बुक किया है, कौन सी गाड़ी है, जायलो, ये जायलो गाड़ी है और अरुवेली जा रहे हैं। अरुवेली में आगे का प्लान है कि मुझे बेस कैंप टेंट जो आता है टेंट, उसके अंदर वन नाइट स्टे करना है। देखती हूँ मिल गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो Yes. Hello.
क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का बेस कैंप है, लेकिन हम लोगों को एक प्राइवेट कैंप झील नहर के पास करना है मुझे शाम बिताने के लिए, तो मैं उसके लिए नीचे जा रही हूँ और आपको भी लेते जाऊंगी। ये सीन देखिए आप लोग, बाबू ना मेरे हस्बैंड, तो मुझे क्या लगता है जाके देखना चाहिए आखिर वो लोग हैं कहाँ। रास्ता मैं भी भुला गई किधर से जाना है, सारा रास्ता एक ही जैसा दिखता है। सभी मेहनत करने पे लगे हुए हैं। ये हम लोगों का सामान, साफ आदि मानव बने हुए हैं राजीव नंदन गोस्वामी। और मैंने चला लिया देखना बेटा आप कैसे हैं, हम लोगों ने इस टेंट में लगभग 3 घंटा बिताकर अब डिसाइड हुआ कि अब हम लोगों को अपने कैंप में जाना चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने कैंप के लिए। यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय हुआ, हम लोगों ने खुद से लकड़ी इकट्ठा किया, उसको जलाया फिर। तो आपको कैसा लगा इस राजीव जी टेंट में रुक कर, थोड़ा सा गंगा स्नान भी किया, आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई, आप अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। बहुत शांति फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, अकेले थे, कोई नहीं था। नहीं, वहाँ पे 2-3 घोड़े हैं। झरना में स्नान किया और टेंट में रेस्ट किया, आप फायर बर्न किया, बहुत मजा आया मुझे। स्वस्तिक है यहाँ पे। चलो
कैसा लगा? क्यों थकना पड़ रहा है? थकना पड़ रहा है क्यों? देख के बेटा पानी। मम्मी तो कहाँ चली गई? चलो आराम से बैठा रहा, यही भी स्लिप पड़ा है। इधर बाहर आओ, बाहर बाहर निकलो। चलो We'll be right back.